मऊ में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। घटना रानीपुर थाने के भतड़ी गांव का है, जहां गांव के ही निवासी योगेंद्र चौहान का पड़ोसी झूरी से जमीनी विवाद चल रहा है। बता दें कि 24 नवंबर को विवादित जमीन पर झूरी और उनके लोगों ने दीवार खड़ा कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए 35,000 रिश्वत की मांग की और रिश्वत नहीं मिलने पर पुलिसकर्मी योगेंद्र के बेटे को ही उठा ले गए और 35,000 देने के बाद बच्चों को छोड़ने की धमकी देने लगे। तब से ही बच्चे गायब हैं और पुलिस इस मामले में योगेंद्र से थाने का चक्कर लगवा रही है। वो 13 साल का, क्या नाम है? सोनू चौहान नाम है उसका। वहीं एसपी ने इस मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थाना रानीपुर के योगेंद्र चौहान इनका पट्टीदारी में जमीन का विवाद है थोड़ा सा, उसको लेकर के पुलिस का 100 डायल का आना जाना इनके द्वारा बताया जा रहा है और उसने रुकवा भी दिया। लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस रात में गई, इनके लड़के को ले आई, फिर उसमें और भी एलिगेशन उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, जो कि जांच का विषय है और जांच करवा करके, क्योंकि इनका लड़का पुलिस के साथ गया या कहीं और चला गया, जो जांच का विषय है, हम जाँच करवा करके सखलप से विधिवत उसमें जो है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। देखना होगा एसपी के निर्देश के बाद भी मामले में कार्रवाई की जाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जाहिद इमाम की रिपोर्ट।